नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज पंडित जी से जानते हैं होला अष्टक के बारे में, क्योंकि होली आने वाली है और उससे पहले तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन होला अष्टक भी लग जाते हैं, तो जानते हैं होला अष्टक के बारे में, लेकिन सबसे पहले शुभ संयोग के बारे में जान लेते हैं। गोलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज से आरंभ हो रहे होलाष्टक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए होलाष्टक के बारे में। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी व्रत, त्यौहार, उपवास से जुड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में ही दी जाती है। प्रतिदिन इस शो को देखना मत भूलिए, कार्यक्रम को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 21 मार्च 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी वृद्धि तिथि है। आज रविवार को सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। 11 बार गायत्री मंत्र का आज आपको जाप करना है। लाल रंग की गौ माता की आज आपको सेवा करनी है। निश्चित तौर पर आज सूर्यदेव की आराधना से मिलेगी सरकारी नौकरी, बनेंगे नेम एंड फेम, मिलेगा यश मान वैभव। जी, और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं और होला अष्टक के बारे में जैसा कि हम चर्चा करने वाले हैं तो वो जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज रविवार के दिन से होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज से अगले 8 दिनों तक ना करे कोई शुभ काम, हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। भूल कर भी नहीं करे कोई नया काम, मिल सकती है असफलता। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक के समय को होलाष्टक माना जाता है, यानी होली से 8 दिन पहले सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिन में आज से लेकर होली वाले दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दौरान प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मंद हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी का फ्लो अपने चरम पर होता है, अपने हाइप पर होता है। होलाष्टक के दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट आता है, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है, विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। पूर्णिमा तिथि से पूर्व के 8 दिनों में हमारे मस्तिष्क में कुछ दुर्बलता आ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, दुख, अवसाद और निराशा का प्रभाव इन होलाष्टक के 8 दिनों में डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन 8 दिनों के अंदर आज से होली तक आपको किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम नहीं करना है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि होलिका दहन में होलाष्टक की विशेषता क्या है। दोस्तों, होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन, जहां हम होली जलाते हैं, जिस जगह पे आजकल हर मोहल्ले में हर चौराहे पे होली जलाने की प्रथा है, तो अगर आपके घर के आसपास के चौराहे पर होली दहन होता हो तो आज के दिन से उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करके उसमें सूखे उपले, यानी जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के, सूखी लकड़ी जो होती है, सूखी खसखस व होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। जिस दिन ये कार्य किया जाता है उस दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। तो आज के दिन होलिका दहन वाली जगह को शुद्ध कर दिया जाता है और वहाँ होली का डंडा रोप दिया जाता है। जिस गांव, क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर यह होली का डंडा स्थापित किया जाता है, होली का डंडा स्थापित होने के बाद संबंधित क्षेत्र में होली का दहन होने तक कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। अब इस बात को समझना होगा
कि होलाष्टक के दिन से शुरू होने वाले कार्य कौन कौन से हैं, क्या करते हैं हम 8 दिनों के अंदर। सबसे पहले इस दिन होलाष्टक शुरू होने वाले दिन होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है कि हमें होलिका दहन कहाँ करना है, और आज के दिन उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके उस स्थान पर होलिका दहन के लकड़ियाँ एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। आज से ही होलिका दहन के लिए रोजाना थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियाँ ला के वहाँ पर इकट्ठित कर दी जाती है, अलग अलग जगह से लाकर सूखी लकड़ियाँ, विशेषकर लकड़ियाँ जो सूखने के कारण स्वयं ही पेड़ों से टूटकर गिर गई हो, उन्हें एकत्र करके चौराहे पर एकत्र कर लिया जाता है। कभी भी पेड़ से काट के लकड़ी मत लाइए, जो टूटी हुई है उनको लाइए। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक प्रतिदिन उसमें कुछ लकड़ियाँ डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक यह लकड़ियों का एक बड़ा ढेर बन जाता है और उस दिन से होली के रंग फिजाओं में बिखरने लगते हैं, अर्थात होली की शुरुआत आज से ही हो जाती है, ये समझ ली। बच्चे और बड़े आज के दिन से ही हल्की फुल्की होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं, तो आज से होलाष्टक लग गए हैं, होली खेलने का आनंद आज के दिन से ही आरंभ हो चुका है। अगले 8 दिन तक रोजाना जो है किसी न किसी समारोह के अंदर आपको होली खेलने का आनंद मिलता ही रहेगा। जी, और पंडित जी, आप आपसे जानना चाहेंगे कौन से जो काम हैं वो होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि अगले 8 दिनों में कौन से ऐसे कार्य हैं जो अशुभ माने जाते हैं, जिन्हें करना अशुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दसवीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में होता है। सबसे पहली चीज, गर्भधारण की प्रक्रिया होलाष्टक के दिनों में नहीं करनी चाहिए। कंसीव करने का प्रोसेस होलाष्टक में नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर होलाष्टक के दिनों के अंदर 8 दिनों में कोई गर्भधारण करते हैं तो उस बच्चे के मानसिक रोगों से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे बच्चे मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो कभी भी होलाष्टक के दिनों में गर्भधारण की प्रक्रिया को आरंभ नहीं करना चाहिए। आप दर्शक ध्यान दीजिएगा, गर्भवती महिलाओं को, विशेष तौर पे गर्भवती जो प्रेगनेंसी के अंदर जो महिलाएं हैं, कभी भी नाले इत्यादि की यात्रा नहीं करना चाहिए। जंगल, नाला, इस तरह की जगहों की यात्रा नहीं करना चाहिए। ऐसा होलाष्टक के दिनों में अगर गर्भवती महिला ऐसी जगह, सुनसान जगहों की यात्रा करती है तो उसके पेट में पल रहे शिशु को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। होलाष्टक के दिनों के अंदर विवाह समारोह आयोजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन होलाष्टक में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। इसके अलावा सिर्फ विवाह का मुहूर्त नहीं, सगाई यानी अर्थात रोका भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दिन नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नींव का पूजन नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान नया घर नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही जमीन की रजिस्ट्री करवानी चाहिए, ना ही जमीन का पूजन करवाना चाहिए। नवविवाहिताओं को होलाष्टक के दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के अंदर कभी भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। गाड़ी इत्यादि, कोई नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो होलाष्टक में नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक में बहुत सारे कार्य ऐसे जिन्हें करने की मनाही है, लेकिन इन होलाष्टक के दिनों में अपने देवी देवताओं की पूजन अर्चन करना अनिवार्य हो जाता है। यही नहीं, होलाष्टक के दिनों में उपवास करने से, दान करने से भी लाभ मिलता है। आइए अब जान लेते हैं होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन होलाष्टक के 8 दिनों में अपने आराध्य देव की पूजन अर्चन आप कर सकते हैं।
व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य फल प्राप्त होते हैं। होलाष्टक के दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज, अपनी इच्छा, सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को धन अन्न का दान करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया जी। और पंडित जी, अब आपसे आज का दिव्य मंत्र जानना चाहेंगे। आई दोस्तों, जानते हैं आपको रोजाना हर वक्त तरोताजा रखने वाला एक महादिव्य मंत्र। ओम श्री दुस्वप्न नाशनाय नमः। 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 लाभ क्या है? बहुत सारे दर्शकों की समस्या रहती है कि बहुत खराब सपना देखा है, डरावने सपने देखते हैं। तो यदि आपने कोई बहुत खराब सपना देखा हो, यदि आपको बहुत डरावने सपने आते हो, तो खराब सपनों को खत्म करने के लिए, उनके अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इस महामंत्र को अपने दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना लें तो आप रहेंगे डरावने सपनों से, खराब सपनों के भय से कोसों दूर। रोजाना लेंगे टेंशन फ्री नींद। इतना दुर्लभ और अच्छा मंत्र है जी। तो पंडित जी, आपने दिव्य मंत्र हमें बताया और होला अष्टक में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दोस्तों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।